मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से हुई दूसरी मौत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी तक पूरी तरह से थमी नहीं है और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। जानकारों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे ज़्यादा खतरनाक है और यह दूसरी लहर में आई तबाही से भी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। WHO ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को वायरस ऑफ कंसर्न कहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना के डेल्टा प्लस से एक मौत की पुष्टि के बाद अशोकनगर के एक और व्यक्ति के मौत की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से भोपाल में रह रहा था, जिसकी मौत भी भोपाल में हुई। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना के किसी भी वेरिएंट को रोकने और बचाव का एक ही तरीका है। जैसे कोई भी वेरिएंट मास्क में नहीं घुस सकता, इसीलिए लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाने की हिदायत दी गई है। वैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि वैक्सीन लेकर ही डेल्टा प्लस वेरिएंट का सामना किया जा सकता है। अगर लोगों के द्वारा सावधानियां नहीं बरती गई तो कोरोना की तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में आने की आशंका जताई जा रही है।